हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजनास फूड द फ्लेवर। आज के वीडियो में मैं एक सिंपल से मॉकटेल ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ, सनराइज मॉकटेल ड्रिंक, जिसे घर पर बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए इस ड्रिंक को बनाना स्टार्ट करते हैं। सनराइज मॉकटेल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ वाटरमेलन, जिन्हें मैंने बीज निकालकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं ये वाटरमेलन को एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इनका जूस बना लूंगी। इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून शुगर। आप चाहे तो अवॉइड कर दें, या कम या ज्यादा भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे पीसकर इसका जूस बना लूंगी। वाटरमेलन को पीसकर मैंने जूस बना लिया है। अब मैं इसे छान लूंगी। वाटरमेलन जूस को छानने के बाद मैं ले रही हूँ एक ऑरेंज, जिसे मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसका भी जूस बना लूंगी। चाहे तो आप मिक्सी में डालकर भी इसका जूस बना सकते हैं, बट मैं सिंपली स्क्वीज करके इसका जूस बनाऊंगी। इस तरह स्क्वीज करके भी हम आसानी से ऑरेंज का जूस निकाल सकते हैं। ऑरेंज जूस को निकाल कर भी मैंने एक बाउल में रख लिया है। अब मैं कुछ मिंट लीव्स लूंगी और इन्हें हल्का हल्का चॉप कर लूंगी। इसके बाद हम लेंगे एक ग्लास। ग्लास में सबसे पहले मैं डालूंगी चॉप्ड मिंट लीव्स, इसके बाद हाफ लेमन, इसे मैं क्रश करके इसका जूस इसमें डालूंगी। साथ ही डालूंगी लेमन की एक स्लाइस। इसके बाद इसमें डालूंगी ऑरेंज जूस और अब इसमें डालूंगी मैं आइस क्यूब्स। बाद इसमें ऐड करेंगे कोई भी कोल्ड ड्रिंक, लेमन फ्लेवर वाली। देन एट लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगी वाटरमेलन जूस, जो मैंने बनाकर तैयार किया है। एक लेमन स्लाइस को हम इस तरह से लगाकर हमारा सनराइज मॉकटेल ड्रिंक बनकर बिल्कुल तैयार है। ये सिंपल सी ड्रिंक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इस गर्मी आप भी इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।